राम राम जी सारे ने। तो ये सुबह की क्लिप है। तो मट्टी भिगो रखी है मैंने, चूल्हे हैं फूट रहे थे, थोड़े भूडे लगे थे, तो मैंने सोचा इन्हें ला पोत दूँ। तो मट्टी भिगो रखी है, ये जैन सी है और मैं इन्हें पोत दूँगी। दो चूल्हे हैं, एक आ रहा है, तो तीनों एक तीनों ख़राब से हो रहे, थोड़े देखने में भद्दे लगे थे और तरेड़ से भी आ रही थी। तो मैंने सोचा ला लीप दूँ इन्हें, टाइम था थोड़ा सा, अच्छे ही लाग जा है एक बार पुताई हुए होने के बाद। भाई अगर वैसे रहे तो फिर बुरे से लग गए हैं, और खाना बनाने में भी अच्छे लग गए हैं फिर ये, अगर इनकी पुताई हो है ना, रोटी राटी पोड़ने भी जी करे तो इनकी मैं पुताई कर दूंगी। जो है हमारा बार वाला चूल्हा, इस पर हम सांझ ने रोटी पोए करें, और बादल छाओ तो भाई सुबह भी पोलिए करें, सुबह भी काम कुम हो जाए तो धूप आ जाओ है, इस वजह से एक उठाऊ चूल्हा है, उसने हम जो छप्पर घर वार के लेंटर घर वार के उसके नीचे धर लिए करें, जो है उठाऊ चूल्हा मरा। तो इसकी भी पुताई करूँगी मैं साथ के साथ, और फिर बाद में बनाऊँगी रोटी। ये उठाऊ चूल्हा है क्योंकि बादल छाया तो धूप छाया तभी भाई बचाव है, और बरसात आ जाओ तो भाई उसमें भी जो है काम आ जाओ है। यो छप्पर नीचे धर कर रोटी पोलिया अगर मारे जो चक्की वाली है उसमें, तो आराम तो इसकी जो सुविधा है वो हमने मिल रही है। तो इसकी पुताई मैं अच्छे तक कर दूंगी, और कई कई पे गोबर मिलाया करें हम, लेकिन मैं तो तकरीबन खाली मिट्टी मिट्टी की पुताई कर दिया करूँ बाहर के, और गोबर के साथ बना जो मेरी माँ कर दिया करे पुताई इसकी, तो मैं इसकी पुताई कर दूंगी। यह है शाम की क्लिप भाई। तो शाम ना हम चले गए थे खेत में जवार देखण कि भाई कितना पानी भरा है, सूखा है नहीं सूखा, क्योंकि राम थमता नहीं है, बरसने लग रहा है बिना सारा उलिया, पूरे सामने बरसा है राम, और अड़े तो बेरा ने किसी माटी है पानी नहीं पीती, चवा चढ़ जावे है। तो जवार ले रखी थी तो उसने देखण जावे हम, गोडे गोडे पानी खड़ा था उसमें जब काट के ले आया करते, तो फिर छोड़ दी थी कोई कीड़ा काटा मा खा लेगा। तो अब देखण जान लग रहे हम कि भाई सूखी है या नहीं सूखी है, जवार भी कति पीली होगी। तो देखो भाई पानी भरा है खेता में भी, और इस खेत में तो तकरीबन क्योंकि नीचाण पर है यो खेत, बहुत गणा पानी, और सूख गई जवार कति सी भूंडी हो रही है, और कोई काट भी ले गया, काट ले गया जवार ने कोई। देखो बीच वाला एरिया बिल्कुल भरा था, यो हमने थोड़ी बहुत चराई थी, काट ले गया उसने। अपने खेत में आ गए हम, यहाँ पर जैन सी बैठी है हमारे जो दादा खेड़ा हमारा, जो दादा है हमारा उस पर, जो पितृ देवता है हमारे, और उस पर बैठी ही खिलन लग रही है या चढ़ जाया करे। और ये देखो पैर दबा रही है इसने, मेरी माँ देखी होगी दाबती, या पैर दबा रही है अपने दादा के। और ये हमारे धान है भाई, बढ़िया हो रहे हैं, पानी सूख रहा है, राम एक बार फिर जड़ी ला देगा। और माँ की गंडे के खेत में तो आड़ा गंडे बो रखे हैं, तो घास था सोचा कि ले, और चलते चलते घास भी काट ले चलें, सुबह मेरी माँ ले जाया करें, जवार हम ले जाया करते, तो एक घास है तो आ रहे हम खाला एक बरोटा काट कर ले चल, तो मैं घास काट लूँगी। और फिर आगे थे हम घरा, घास काट के घरा आकर ही मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि साढ़े छः पौने सात का टाइम हो गया था आते आते हमने, तो मैं आटा लगा दूँगी और उसके बाद बना लेंगे अपनी रोटी। तो मैं फटाफट अपना आटा लगा दूंगी, क्योंकि फिर जियान सी है वह भी ब्रच जाओ है, वह रुकती नहीं, तो इस वजह से मैं अपना काम फटाफट कर लूंगी। और हम तख्त पर धर के चून बेया करें, इस तरह एक नंबर की लोच लगा करें, नई परात घस है हमारी जो हमारा तख्त घल रहा है, यो इसको ऊपर परात धर का हम चून बेया करें, आराम से बीज जाया करें चून, और कुछ तो इतने बढ़िया लगा करें, कबूता बढ़िया चून बीज जा करें, नीचे बैठा तो अरे नीचे छलना भी बिछाना पड़े, और फिर बेवा जब चर 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 न्यू आवाज़ आई जाया करे, क्योंकि परात भी घसण का बह रहा है अगर, फिर तावड़ी ख़राब हो जाया करे परात, तो इस वजह से तख्त पर धर के अपना चून है वो आराम से दे लिया करे, बहुत बढ़िया डाल भिजिया करे। फिर इसने भी थोड़ा बहुत चून इंगेन उंगेन खिंड जावे तो उसकी हम भाई सफाई कर लिए करें, झाड़ लिए करें उसने, तो आराम से इस पर बीज जावे हमारा आटा लग जावे है।
और दाल थी वह रंधनी मैंने पहला इधर दी थी, आकर सबसे पहले दाल धरी थी, काजन कुशन धोए थे, दाल बन गई थी, छोकला दिया था मैंने उसमें, तो मेरी दाल भी रेडी थी और मकई चून बेलूँ फटाफट, फिर रोटी बना दूंगी। राम जी भी वहीं मुँह कर रहा था, मैं कदे बरसन लाग जाना तो अपनी रोटी रट्टी बना बुना कर दर्द में खा लेंगे सब, फिर बाद में तो भाई कासन बासन अभी तरह धोने हैं, धोते रहेंगे भाई। तो तकरीबन 8:30 बजे तक मेरा काम से पड़ जाए, अगर 8:30 आखिरी है काम से पड़ जाए, अगर भाई घनी वाह हो जाए ना तो भी 9 भी बज जाए, अगर कोई घनी परेशानी आ जावे कि कोई भाई मेहमान शमान आ रहा हो इस वजह से, तो भाई मैं अपने जो बर्तन हैं वो बाद में धो लिया करूँ, और मैं रात में छोड़ा नहीं करूँ बर्तना ने। अब भाई कई लोग यूँ हैं छोड़ कर बाज लिए हैं नहीं, तो देखो दाल है मेरी बन गई थी और इब मैं लाग जाएंगी रोटियां कह, तो अपनी रोटी सेक लूँगी मैं चूल्हे पर रोटी पका कर, बड़ा स्वाद आवा चूल्हे पर रोटी पौनते आना, क्योंकि गैस पर खड़े खड़े रोटी कोना पुनती, गैस पर खड़े रहा है कोना एक रोटी शक है बाट में खड़े रहो।